मैं एससी मिश्रा फ्रॉम महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान दरभंगा। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वर्ग नवम, विषय हिंदी, पाठ्य पुस्तक क्षितिज, पाठ संख्या 3, पाठ उपभोक्तावाद की संस्कृति, लेखक श्यामचरण दुबे, भाग 6। अंततः इस संस्कृति के फैलाव का परिणाम क्या होगा? फैलाव का अर्थ विस्तार, परिणाम का अर्थ फल। यह गंभीर चिंता का विषय है। हमारे सीमित संसाधनों का घोर अपव्यय हो रहा है। सीमित का अर्थ कम, थोड़ा। अपव्यय का अर्थ गलत तरीके से खर्च। जीवन की गुणवत्ता आलू के चिप्स से नहीं सुधरती, न बहुविज्ञापित शीतल पेयों से। बहुविज्ञापित का अर्थ बहु का अर्थ विशेष, विज्ञापित का अर्थ प्रचार प्रसार। भले ही वे अंतर्राष्ट्रीय हों, पिज्जा और बर्गर कितने ही आधुनिक हों, हैं वे कूड़ा खाद्य पदार्थ। हम लोग जिस पश्चिमी सभ्यता संस्कृति का अंधानुकरण कर रहे हैं बिना सोचे विचारे, उसके प्रयोग में प्रतिस्पर्धात्मक बने हुए हैं, वह किसी भी दृष्टिकोण से स्वास्थ्य के लिए लाभदायक सिद्ध नहीं हो रहा है। जाने अनजाने वह किसी न प्रकार किसी न तरह वह हमारे स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है और हम समाज में झूठे प्रतिमान स्थापित करने के लिए इस सब को अपनी प्रयोग में लाने के लिए उचित अनुचित कदम उठाते रहते हैं और स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करते रहते हैं। इसका परिणाम हमारे समाज में अमीर और गरीब के बीच दूरियां भी बढ़ रही है। सामाजिक सरोकारों से मेरा संबंध लगभग समाप्त होता जा रहा है। सरोकार का अर्थ संबंध। समाज में वर्गों की दूरी बढ़ रही है, सामाजिक सरोकारों में कमी आ रही है। जीवन स्तर का यह बढ़ता अंतर आक्रोश और अशांति को जन्म दे रहा है। अंतर का अर्थ फर्क। जैसे जैसे दिखावे की यह संस्कृति फैलेगी, सामाजिक अशांति भी बढ़ेगी। हमारी सांस्कृतिक अस्मिता का ह्रास तो हो ही रहा है। अस्मिता का अर्थ पहचान। हम लक्ष्य भ्रम से भी पीड़ित हैं। हम लोग अपने लक्ष्य के प्रति सक संदेह से पीड़ित हैं। विकास के विराट उद्देश्य पीछे हट रहे हैं। विराट का अर्थ बहुत बड़ा। हम लोग जो अपने सांस्कृतिक आध्यात्मिक भौतिक शैक्षणिक धार्मिक आर्थिक विराट विकास के पीछे हमारे पूर्वजों ने जो स्वप्न देखा था, अपनी दूरदर्शिता का परिचय दिया था, उससे आज हम पीछे हट रहे हैं। हमारे गांधी जी ने कहा था हम अपनी बुनियाद पर टिके रहें। बुनियाद का अर्थ नींव, और उस बुनियाद से जुड़े रहें। आज किसी भी पेशेवर व्यक्ति की बात की जाए, चाहे वह जिस पेशे से जुड़े हों, वह अपने पेशे की निंदा करने से नहीं थकते, जबकि उनका आर्थिक पारिवारिक मानसिक सब चीज का विकास उसी बुनियाद पर टिकी हुई है। हम झूठी तुष्टि के तात्कालिक लक्ष्यों का पीछा कर रहे हैं। तात्कालिक का अर्थ उस समय। मर्यादाएं टूट रही हैं, नैतिक मानदंड ढीले पड़ रहे हैं, व्यक्ति केंद्रकता बढ़ रही है। व्यक्ति केंद्रकता का अर्थ व्यक्ति अपने आप तक सीमित हो रहा है। व्यक्ति सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है, अपने से ऊपर उठ करके वह दूसरे के बारे में, समाज के बारे में, राष्ट्र के बारे में,
सोचने के लिए अभी मजबूर नहीं है, सोचने के लिए उनके पास समय नहीं है, सिर्फ वह अपनी बात कर रहे हैं, सिर्फ अपने तक वह सीमित हो चुके हैं। स्वार्थ परमार्थ पर हावी हो रहा है। स्वार्थ का अर्थ सिर्फ अपनी लाभ की बात सोचना, परमार्थ का अर्थ भलाई। आज हम भलाई के काम से मुंह मोड़ रहे हैं और अपना एक भी कदम उठाने से पहले इस प्रयास में लगे हुए हैं कि उससे मेरा क्या स्वार्थ सिद्ध होगा, हम यह काम करने जा रहे हैं तो उसके साथ हमें क्या प्राप्ति होगी। तो पहले हम अपनी प्राप्ति की बात कर रहे हैं, पहले हम कैलकुलेशन की बात कर रहे हैं, हम जोड़ घटाव की बात कर रहे हैं, अपने लाभ हानि की बात कर रहे हैं। इसलिए 100% लोग अभी स्वार्थ पर अटल हैं, अमल कर रहे हैं, परमार्थ दूर दूर तक उनसे छूटा हुआ है। भोग की आकांक्षाएं आसमान को छू रही है। आकांक्षा का अर्थ चाह, इच्छा, लिप्सा, कामना। तो लोग आज के डेट में यथार्थवादी बनने के बजाय भौतिकवादी होते जा रहे हैं और भोग की इच्छा उनकी प्रबल होती जा रही है, दिन दुनी बढ़ती जा रही है। किस बिंदु पर रुकेगी यह दौड़? गांधी जी ने कहा था कि हम स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभावों के लिए अपने दरवाजे खिड़की खुले रखें पर अपनी बुनियाद पर कायम रहें। गांधी जी का कथन था कि हम नई बात सीखें, दूसरों के चीज का अनुसरण करें लेकिन वह स्वस्थ सांस्कृतिक हो, लेकिन हम अपने नींव पर, हमारी जो भारतीय संस्कृति है, हम उसको ना भूलें, उसकी मान मर्यादा को बनाए रखें, उसको ध्यान में रखते हुए ही हम दूसरों का अनुसरण करें। उपभोक्तावाद संस्कृति हमारी सामाजिक नींव को हिला रही है। यह एक बड़ा खतरा है, भविष्य के लिए एक बड़ी चुनौती है। धन्यवाद।